चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, उनके आंसर बताए जा रहे हैं। तो इस तरह के हम लोग 8 टेस्ट खत्म कर चुके हैं अभी तक। ये आपका 9वां टेस्ट है। याद रखिए, जो 8 टेस्ट दिए गए हैं आपके, वो टेस्ट सीरीज फॉर आईएएस पीसीएस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है ना, उसी में डले हुए हैं। ठीक है, वहाँ जाकर देख लीजिए। और कई लड़कों का सवाल है, कई बच्चों का, कि वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, कब अपलोड होता है, कब लेक्चर कब बनता है। तो एक बात बोलूँ आप लोगों से कि बेल आइकन है जो, इसे प्रेस कर लें आप लोग घंटी को, जिससे जो भी अपलोड होता है आपके सामने नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें टेस्ट का आपका क्या है क्वेश्चन हमारे सामने। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। इस प्रकार की वनस्पति गर्म और आद्र अर्ध क्षेत्रों में पाई जाती है। औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस वनस्पति में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किन वनों की है। सीधा सा कहने का मतलब है कि जो ये विशेषताएं दी गई हैं आपकी, देख रहे हैं चार, ये किस तरह के वनों में, वनों की विशेषताएं हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर आपने वनों को पढ़ा है, तो ये है आपकी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान में, आप पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों में भी देखने को मिलेगा, आपको अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसके लिए आप देखेंगे कि सालाना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। 22 डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस के करीब आपका औसत वार्षिक तापमान भी होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने अगला। भारत में वन आवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार। भारत में वन आवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लक्षद्वीप में शून्य वन आवरण है, लक्षद्वीप में शून्य वन आवरण है, ये आपका बिल्कुल सही कथन है। क्या है, बिल्कुल सही आपका कथन है। दूसरा है, 10% से भी कम वन क्षेत्र वाले ज्यादातर राज्य देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित हैं, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। वनी खजूर, नीम, खैर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आपसे पूछ क्या आ रहा है, आपसे पूछा आ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप देख रहे हैं, एक कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। इस पॉइंट को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, इसके क्या होता है कि आते हुए भी क्वेश्चंस आप लोग गलत कर बैठते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग या तो पहले पढ़ लिया करिएगा या फिर बाद में पढ़ सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। तो इसमें एक और दो सही है, तीन क्यों गलत है उस पर भी बता देता हूं मैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आप देखते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल होते हैं आपकी। ये वन वर्ष के अधिकांश समय पत्तियां रहित होती हैं, यानी कि पत्री धारण कहने रहते हैं, यानी कि पत्ते अपने, और झाड़ियों की तरह दिखाई देते हैं, जैसे बबूल हो गया, खजूर हो गया, खैर हो गया, नीम हो गया, ये सभी इसमें पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस। पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। हिमालय की शीतोष्ण वनों को सोला कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। चीड़, पाइन, देवदार, सनोवर आदि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं, ये आपका बिल्कुल सही कथन है।
काई और लाइकेन टुंडा वनस्पति की प्रजातियां हैं, ये भी आपका सही है। हिमालय के उत्तरी ढाल की अपेक्षा दक्षिणी ढाल पर वनस्पति घनत्व अधिक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है आपका इसमें? उपयुक्त कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो आप देख रहे होंगे कि दूसरा, तीसरा और चौथा कथन आपका सही है, लेकिन पहला इसमें आप लोग गलत है। सबसे पहले बता देता हूँ कि पहला कथन गलत क्यों है इसमें। तो आप जानते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों के समशीतोष्ण वनों को हम लोग सोला वन के नाम से जानते हैं, ना कि हिमालय की शीतोष्ण वनों को, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे टिक? इसमें करेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही है। 2 3 4, 2 3 4, यहाँ अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए और बाकी पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से उससे मिलाकर भी आप लोग अच्छे से लगा लीजिए। इसमें आपके वही क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो आपके महत्वपूर्ण रहते हैं परीक्षा के पॉइंट व्यू से। तो याद रखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके जिस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी के लिए जरूरी रहते हैं, फिर चाहे आपका UPBCS या BR PCS या MPPSC हो गया, इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब समझ में आया आपको कि इस पॉइंट का कितना महत्व रहता है। यहाँ अगर आपसे पूछता कि सही है, लेकिन यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो देखता हूँ कौन कौन से सही हैं। पहले साल आद्य पर्णपाती वनों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। केजू एरिना मुख्यतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। देवदार शंकुधारी वृक्षों की एक प्रजाति है, ये आपका बिल्कुल सही है। सोलावन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। लास्ट के क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने देखा भी है, तो ये आपका गलत है। तो इसमें लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना आपको, तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो सोलावन की बात करूं तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी की पहाड़ियों के समशीतोष्ण वन होते हैं, उन्हें हम लोग सोला वन कह देते हैं। तो ये नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, इस क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है, याद रखिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। याद रखिए बैकग्राउंड में यार बरसात तेज हो रही है, इसलिए बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही हो तो एडजस्ट करिए, क्योंकि भयंकर बारिश हो रही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंगो, सदाबहार और पर्णपाती वनों का संरक्षण पाया जाता है? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंगो, सदाबहार और पर्णपाती वनों का संरक्षण पाया जाता है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये उसमें होगा आपका डी ऑप्शन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वैश्विक रूप से स्वीकृत जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। इसकी वनस्पति और जीवों की समृद्धि विभिन्न प्रकार के वनों में प्रदर्शित होती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आद्य पर्णपाती वन, तटवर्ती वन, मैंगो वन, ठीक है, इसमें आप डी ऑप्शन सही है लगाएंगे, डी लगाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। निम्नलिखित राज्यों पर क्या करना है? विचार। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त में से किन राज्यों में उष्णकटिबंधीय आद्य सदाबहार वन पाए जाते हैं? आपको बताना है कि जो ऊपर राज्य दिए गए हैं इसमें से उष्णकटिबंधीय आद्य अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए आपको देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और मिजोरम में देखने को मिलेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। तो 1 और 3 आप लोग सही होगा, क्या होगा? 1 3। तो आपको बता दूं वैसे कि उष्णकटिबंधीय आद्य सदाबहार वन पश्चिमी घाट समुद्र तल से 500 से लेकर आपका 1370 मीटर की ऊंचाई तक, कि पश्चिम ओर आप हिमाचल प्रदेश देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप दक्षिण पश्चिम तक एक पट्टी के रूप में, ऊपर असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है।
इसमें आपका हिमाचल प्रदेश में ये देखने को नहीं मिलता है, सॉरी माफ करिए। ठीक, इसके लिए वर्षा की बात करूं तो आप देखते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है इसमें। अगर वनों की बात करें, वन में पाए जाने वाले जो इसकी प्रजातियां हैं, तो इसमें अबनूस देखने को मिलेगा आपको, महोगनी हो गया, रबड़ हो गया, ये सभी इस तरह के वन हैं। तो इसमें आप लगाएंगे एक और तीन ऑप्शन सही, यानी कि सी ऑप्शन सही है आपका, एक और तीन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वर्षा आधारित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अगर मानसून अच्छा रहा तो खेती हमारे यहाँ अच्छी होती है, और मानसून खराब रहता है तो आप देखते हैं कि कृषि खराब होती है। और आपका बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पानी बरसात पर ही अधिकतर कृषि निर्भर आपकी रहती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आप पानी के लिए तरस जाते हैं, पीने के लिए लोग, समझ रहे हैं। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्य रूप से उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी? 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ये आपका बिल्कुल कथन गलत है। आर्द्रभूमि कृषि सिंचित और वर्षा आधारित दोनों तरह की कृषि क्षेत्रों में की जाती है, ये भी आपका गलत है। इसमें पूछा क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देख रहे हैं ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगर आपसे पूछता कि सही है, तो आप देख रहे थे कि ना तो एक सही था ना ही दो सही था। तो आप लगाएंगे क्या, इसमें आप लगाएंगे सी ऑप्शन, दोनों गलत हैं। दोनों गलत हैं, आखिर सही क्या होगा उस पर भी बात कर लेता हूं। फसलों के लिए आर्द्रता के मुख्य स्रोत के आधार पर किसी भूमि को सिंचित और वर्षायुक्त कृषि में वर्गीकृत यानी कि बांट देते हैं हम लोग। सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर सिंचित खेती कि प्रकृति भी दो प्रकार की होती है, एक सुरक्षात्मक और एक उत्पादक। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान आर्द्रभूमि की मृदा में आवश्यक नमी की अपेक्षा ज्यादा नमी आ जाती है। ऐसे क्षेत्र बाढ़ और मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में जलगहन फसलें जैसे जूट, धान, गन्ना आदि पैदा की जाती है, और ताजा जल निकायों में जलीय कृषि की जाती है। भारत में शुष्क भूमि कृषि मोटे तौर पर 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही आपकी सीमित रहती है। इसमें आप देखेंगे कि सहेडू किस्म की पैदावार होती है, रागी हो गया, बाजरा हो गया, मूंग, ज्वार आदि सूखा प्रतिरोधी फसलों को पैदावार की जाती है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका सी था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ रही है तो ऊपर कर देते हैं क्योंकि हमें विचार ही तो करना है, ऊपर इतना ही तो लिखा है। पहला कथन क्या है आपके सामने, उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान खरीफ का मौसम होता है। इस दौरान चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, जूट, तुअर जैसी उष्णकटिबंधीय फसलों की खेती की जाती है। ये आपका गलत है कथन। बाजरे की खेती देश के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी हिस्सों में गर्म एवं शुष्क जलवायु में की जाती है। बिल्कुल सही बात है। मूंगफली मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक वर्षा आधारित फसल खरीफ फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में यह रबी के मौसम में भी उगाई जाती है। इसलिए आप लोग देखते हैं, सही बात है कि आप लोग दक्षिण भारत में ये रबी के मौसम में भी देखते हैं इसकी फसल को। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि दो और तीन कथन सही है, लेकिन पहला कथन इसमें गलत है। पहला कथन आखिर गलत क्यों है, इस पर बात कर लेता हूँ। देश के उत्तर, उत्तरी तथा अन्य आंतरिक हिस्सों में तीन अलग अलग फसली मौसम देखने को मिलते हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ का मौसम मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आता है। कब? दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, ना कि उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान। ठीक है, याद रखिए इसमें। तो इसमें क्या टिक लगाओगे आप लोग? बी ऑप्शन। बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद उत्तर पुस्तिका होती है उस पर आप लोग बड़े ध्यान से गोला लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार जो लग जाता है उसके बाद उसे बदलना संभव नहीं है। तो बड़े ध्यान से आपको देना है, और आप जानते हैं कि एक ही दो क्वेश्चन से आप लोग लटक जाते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण भी है ये क्वेश्चन। है हमारे सामने अगला, निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों और उनसे संबंधित राज्यों की पहचान कर सम्मिलित करना है।
क्या करना है, सम्मिलित करना है, यानी कि सभी राज्यों का क्रम हमें मिलाना है। एक तरह से आप देखते थे ना बचपन में कि सही जोड़ियां बनाने को आती थी। नॉक रैक, नॉक रेक, ये आपका मेघालय में देखने को मिलेगा। सिमलीपाल, ये भी आपका कई बार चर्चा में रहता है, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। शेषाचलम, ये कहाँ देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। डिब्रू सिखोवा, ये आपका असम में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, असम में। तो एक बी से सही होगा, सिमलीपाल, ये आपका उड़ीसा, यानी कि दो डी। शेषाचलम ए, और डिब्रू सिखोवा ए असम। तो आप क्या लगाएंगे इसमें, एक बी, दो डी, तीन ए, चार सी, यानी कि डी ऑप्शन आप सही है। क्या इसमें डी ऑप्शन सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि नॉक रैक जो जैव मंडल है, नॉक रेक, ये आपका रिजर्व, ये आपका मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और नॉक रेक में बहुत कम संख्या में आपको लाल पांडा पाए जाते हैं। यह एशियाई हाथियों का भी एक महत्वपूर्ण निवास स्थल भी है। सिमलीपाल के बारे में बात करूं तो ये नेशनल पार्क आपका उड़ीसा के मयूरभंज में राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण स्थल है। यह सिमलीपाल कुलदीहा हदगढ़ हाथी संरक्षण का एक हिस्सा भी है, जो मयूरभंज हाथी संरक्षण नाम से आप लोग जानते हैं। और शेषाचलम जीव मंडल रिजर्व की बात करें तो ये दक्षिण भारत में दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में आपको देखने को मिलेगा। और 2010 में इसमें आप देखेंगे कि जैव मंडल रिजर्व नाम दिया गया इसका। इसमें आपको लाल चंदन की लकड़ी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक आपका बचता है डिब्रू सिखोवा, ये आपका नेशनल पार्क है असम का, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 1997 में जैव मंडल रिजर्व के नाम दिया गया था। और मुख्य रूप से यहाँ आप लोग सफेद पंखों वाली दुर्लभ बोर्ड बतख को देखेंगे, तो इसमें आपका डी है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और पीडीएफ डाउनलोड करके उसे अच्छे से एक दो बार और देख लीजिएगा, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पूरे विश्व के शहरों में चट्टानों और पेड़ों पर पाई जाने वाली काई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। काई एक जैव सूचक एवं शहरी प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले एक किफायती उपाय के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है, काई अपने स्वरूप में परिवर्तन करके सघन होकर या फिर गायब होकर प्रदूषण की प्रतिक्रिया देती है, जिससे वैज्ञानिकों को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने में मदद मिलती है। ये भी आपकी सही बात है, बिल्कुल। इसमें पूछ क्या रहे, कौन सा कथन सही है, तो आप देख रहे हैं कि एक कथन भी सही है आपका, दूसरा कथन भी सही है, यानी कि आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है, दोनों कथन सही है। और भी आपका एक कई बार पूछ लेता है कि जैव सूचक किसे माना जाता है, काई को। जापानी वैज्ञानिकों द्वारा अगर एक अध्ययन के मुताबिक हम बात करें तो वातावरण में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए पूरे विश्व के शहरों में चट्टानों और पेड़ों पर पाई जाने वाली काई का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, इतना महत्वपूर्ण होता है काई। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार ही करना है। बाड़बंदी और मिश्रित खेती दोनों ही मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं। बिल्कुल सही बात है, याद रखिए हमारे देश में देखते हैं आप लोग बरसात के टाइम पर कई राज्यों में बहुत भयंकर बाढ़ आती है, जिनमें से आपका बिहार एक है। देखते हैं किस तरह से लोग प्रभावित होते हैं इसमें। और नालिका अपरदन के विस्तार को सीढ़ीदार खेत बनाकर या फिर वनस्पति रोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। शुष्क क्षेत्रों में कृषि वानिकी का उपयोग वालिका टिप्पों द्वारा भूमि अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपके तीनों कथन सही हैं, एक दो तीनों कथन आपके सही हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है
कि जब मालूम है कि बिहार में अच्छी तगड़े से बाढ़ आती है, पर भी हम लोग इस तरह की प्रबंधन नहीं कर पाते हैं कि लोगों को सुविधा नहीं दे पाते हैं। ये हमारी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकारों की फेलियर है। समझ रहे हैं कि बिहार में आप देखते हैं लाखों लोग प्रभावित होते हैं, हर साल की बात है, ऐसा नहीं है कि हर साल ना होता हो, पर भी हम उन्हें व्यवस्थाएं नहीं कर पाते उन लोगों के लिए। यानी कि वही है कि एक तो मुझे मालूम, अब हम लोगों को मालूम है कि हमारे पास कोई ऐसी बीमारी आती है जिसका कोई उपाय नहीं है, इलाज नहीं है, लेकिन जिनका इलाज है उनमें भी तो हम लोग पिछड़े हुए हैं, उनमें भी हम लोग कुछ खास काम नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? याद रखिए एक बात और, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा पश्चिमी राजस्थान में बलुका टिप्पों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं आपके। तो इसमें आप लगाएंगे क्या ऑप्शन लगाएंगे सही? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? हमें विचार करना है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपनी जमीनों पर केवल गैर वाणिज्यिक उद्देश्य से वृक्षारोपण करते हैं। गलत है। सामुदायिक वानिकी भूमिहीन लोगों तक उन लाभों को पहुंचाती है जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि दूसरा कथन केवल सही है, पहला इसमें गलत है। पहला गलत क्यों मैं बता देता हूँ। फार्म वानिकी पद का तात्पर्य ऐसी वानिकी से है जिसके अंतर्गत किसान अपनी खेतों में व्यापारिक पौधों का रोपण करते हैं। किसका? व्यापारिक पौधों का रोपण करते हैं। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य पर्यावरणविद, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन और सुरक्षा एवं बंजर भूमि पर वन रोपण से है। राष्ट्रीय कृषि आयोग, आप देखते हैं कि 1976 में ने सामाजिक वानिकी को तीन श्रेणियों में बांटा है। शहरी वानिकी के अंतर्गत शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी हो गया, पार्क हो गया, या फिर सड़कों के साथ खाली जगह होती है, या फिर औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों इत्यादि पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना होता है। दूसरा ग्रामीण वानिकी, कृषि वानिकी और सामुदायिक वानिकी की को बढ़ावा देने पर जोर देना। और तीसरा आप फार्म वानिकी देखते हैं, इसमें आप देखते हैं कि किसान अपने खेतों में व्यापारिक पौधे का रोपण करते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपने देखा है कि दूसरा कथन केवल सही है। इसमें क्या है? दूसरा कथन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये वनों के प्रकार हो गए और राज्य जहाँ ये पाए जाते हैं, हमें यानी कि सही जोड़ी बनाना है, एक तरह से यही कह सकते हैं। हमें बताना है कि ये इनमें सही कौन सा है, सही सम्मिलित कौन है, अगर गलत है तो गलत बताना है। आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही है। आद्र पर्णपाती वन ये आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ये भी बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन ये आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, यानी कि ये भी सही है आपका। और इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? तो आपने देखा है कि तीनों सही है। क्या है? तीनों ये सही है आपके। उष्ण जो कटिबंधीय सदाबहारी वन है ये आपके पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखने को आपको मिलेंगे। इसमें आपकी प्रजातियां, मुख्य प्रजातियों की बात करें तो सीसम हो गया, महोगनी हो गया, एनी हो गया, या फिर अबनूस हो गया। इसके लिए वार्षिक वर्षा की बात करूं तो 100 सेंटीमीटर के करीब आपको इससे अधिक होनी चाहिए, और औसत वार्षिक तापमान की बात करूं तो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। अगर आर्द्र पर्णपाती वनों की हम बात करें तो ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच आपकी वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपके वृक्षों की बात करें तो जैसे सागौन हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, महुआ, आंवला, सहमुल, कुसुम, चंदन, ये इसी प्रजातियाँ की हैं इसी। और अगर हम लोग उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की बात करें तो इसके लिए 50 सेंटीमीटर से कम बरसात चाहिए होती है। और इसमें अगर प्रजातियों की बात करें तो बबूल हो गया, बेर हो गया, वनी खजूर हो गया, नीम हो गया, खेजड़ी हो गया, पलास हो गया, इसके उदाहरण हैं।
तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा है कि तीनों सही सुमेलित हैं आपके, क्या है तीनों सही सुमेलित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन है हमारे सामने वन क्षेत्र के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है वन क्षेत्रों के बारे में। यह राज्य के राजस्व विभाग के आंकड़ों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। यह वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्र है, ये आपका गलत है। लक्षद्वीप का वन क्षेत्र 0% है, ये भी आपका सही है। और इसमें पूछ क्या रहा है, सही कथन हमें बताना है, तो एक और तीन सही है इसमें, एक और तीन। दूसरा आखिर गलत क्यों है उसकी बात करूं तो वन क्षेत्र एवं वास्तविक वन आच्छादन एक जैसे नहीं होते हैं, हमेशा याद रखिए। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार वैसे अधिसूचित क्षेत्र हैं जा चाहे वहां वृक्ष हो या ना हो, चाहे वृक्ष हो या ना हो, ठीक है। ऐसे वन क्षेत्र ये वन राजस्व विभाग के अनुसार इनकी एक तरह से परिभाषा कह सकते हैं आप लोग, वन क्षेत्र राज्य राजस्व विभाग के रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं आपके वन क्षेत्र, और वास्तविक वन आच्छादन वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो वनों द्वारा पूरी तरह से ढके रहते हैं। यह हवाई छाया चित्रों और उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीर पर आधारित होते हैं आपके, ठीक है। लक्षद्वीप में आप देखते हैं कि वन क्षेत्र 0% है, वहीं आप देखेंगे अंडमान निकोबार में तो आप देखेंगे 86.93% क्षेत्र में आप देखेंगे वन है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि असमानता व्याप्त है। इसमें क्या था आपका, डी ऑप्शन सही था, क्योंकि एक और तीसरा कथन आपका बिल्कुल सही था, एक और तीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित जो राष्ट्रीय आपके निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है, इसमें बड़ा पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। सही सुमेलित नहीं है ये राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ है वो विस्तार NW2 एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा, ऐसा ना हो कि आप लोगों को गलत बता बैठूं, मालूम चले बाद में आप लोग मुझे कुछ बोलते रहें, समझ रहे हैं। जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, दो है आपका जी, ये आपका पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है इसमें आपका, और धुबरी से ये आपका सादिया तक जाता है, कहाँ तक, धुबरी से सादिया तक, तो ये आपका गलत है। NW3 की अगर बात करें हम लोग, NW3 की बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा ये आपका कुट्टापुरम से कहाँ तक, कोल्लम तक, ये भी आपका गलत है, क्योंकि आपने देखा एक सादिया। NW1 की बात कर रहे हैं अगर हम लोग तो इलाहाबाद से हल्दिया, ये आपका बिल्कुल सही है। NW4 की बात करूँ तो काकीनाडा और पुदुचेरी की नहरें हैं, ये भी आपका सही है, ये आपको सही देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं बात कर लेता हूँ, एक गलत है और दूसरा इसमें सही क्या होगा, तो आप जान सकते हैं कि NW जो दो है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो है जो, ये आपकी सादिया से धुबरी तक, और NW3 देखेंगे ये कुट्टापुरम कोल्लम तक, ठीक है, इसमें याद रखिए। तो इसमें क्या लगा हुआ आप लोग, एक और दो कथन एक तरह से आपका ये दोनों गलत हैं, और पूछा क्या था ऊपर आपने देखा सही नहीं है, तो कौन कौन सा सही नहीं था, एक और दो। एक बार और देख लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके कई बार बन चुके हैं। जो राष्ट्रीय जलमार्ग दो है ये आपका जाता है सादिया से धुबरी तक, और NW3 है जो
जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है, ये आपको देखने को मिलेगा कुट्टापुरम से कुल्लम तक। NW1 देखेंगे आप इलाहाबाद से हल्दिया तक, और NW4 देखेंगे काकीनाडा पुदुचेरी की नहरें हैं, ठीक है, याद रखिए आपका। तो इसमें आपका ए ऑप्शन लगाएंगे आप लोग, टिक ए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कोंकण रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोंकण रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के में मंगलूर से जोड़ती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है क्योंकि यह कई नदियों एवं प्रवाह को पार करती है तथा इसमें पुलों और सुरंगों की संख्या बहुत अधिक भी है, ये भी आपका सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही हमें उत्तर चुनना है, तो 1 2 दोनों सही है, 1 भी सही है और 2 भी आपका सही है, ठीक है, क्या है, दोनों कथन आपके सही है। और वर्ष सन 1998 में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक आपकी कोंकण रेलवे का निर्माण करना इसे मानी जाती है। एक कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई और मंगलूर के बीच आपकी है। ये लाइन आपकी 741 किलोमीटर लंबी लाइन है और महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है ये आपकी, ठीक है। ये आप देखेंगे कि 146 नदियों, जलधाराओं, लगभग आपके 2000 पुलों, 91 सुरंगों को पार करती है, समझ रहे हैं, इतना खतरनाक जगह से गुजरती है। तो ये इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि दोनों कथन आपके सही हैं, क्या है, दोनों कथन आपके सही हैं। याद रखिए, हमेशा आपसे कहा जाता है कि आप किताबें कम ही पढ़ा करिएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज इस तरह के मॉक टेस्ट अधिक से अधिक दिया करिएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि इतिहास आपने पढ़ लिया विस्तार से, आपने कोई भी कुछ भी पढ़ लिया विस्तार से, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस बनाने नहीं आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप परीक्षा हॉल में जब बैठेंगे उस समय आप क्वेश्चंस बेहतर तरीके से स्कोर कर पाएंगे उनका। तो अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दिया करिएगा और मेंस के लिए अधिक से अधिक आंसर राइटिंग किया करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी जीव मंडल निश्चय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब समझ में आया आपको कि कितना महत्व होता है इस पॉइंट का, सही नहीं है हमें बताना है, क्या बताना है, सही नहीं है। यह भारत का प्रथम जैव मंडल है, निश्चय है, ये बिल्कुल सही है। यह संकटपन्न जंतुओं की प्रजातियों नीलगिरी तहर और शेर पूंछ बंदर मकाक का आवास है, ये आप देखेंगे बिल्कुल सही है। केरल की अगस्तमलाई पहाड़ी इसके अंतर्गत आती है, ये आपका गलत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूंछ क्या रहे, सही नहीं है। तो आप देखेंगे कि तीसरा कथन सही नहीं। आखिर तीसरे में सही क्या होगा, उसके बारे में बात करूं तो केरल में अगस्तमलाया माला पहाड़ियां अगस्तमाला संरक्षित क्षेत्र के तहत आती हैं। किसके तहत? केरल में अगस्तमाला पहाड़ियां अगस्तमाला संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आपकी आती हैं, याद रखिए। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, बी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि सही नहीं पूछ रहा था, और आप देख रहे हैं कि तीसरा कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन केवल 3। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सड़क परिवहन बुनियादी ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सड़क परिवहन बुनियादी ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण सुधार सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण का कार्य करता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। सेतु भारतम का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है, ये आपका बिल्कुल सही है, इसका यही उद्देश्य था, ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ढांचागत विकास निगम है, ये पूर्णतः सड़क यातायात और राजमार्ग जो मंत्रालय है इसके स्वामित्व वाली कंपनी है, जो विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उनके सीमावर्ती राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, उन्नयन, चौड़ीकरण का कार्य दीर्घकालिक स्तर पर करती है, ठीक है, याद रखना इसे। तो इसमें आपका केवल सही कथन पूछा था, तो केवल 2 कथन सही था, पहला कथन इसमें गलत था, पहला कथन क्या था, गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सड़कों का राज
राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आप जानते होंगे शायद कि एक किया गया था नागपुर योजना 1934 के तहत। आपने देखा होगा कि वर्ष 1934 में नागपुर में केंद्र सरकार ने केंद्रीय और राज्य सरकार के प्रमुख यानी कि मुख्य अभियंताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया था और यह भारत में सड़क विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से सड़क विकास कार्यक्रम की योजना बनाने का यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में सड़क विकास के लिए 20 वर्षीय योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी, जिसे आप लोग नागपुर योजना के साथ नाम से जानते हैं। यह आपकी योजना थी 20 साल के लिए यानी कि 1943 से 1963 के लिए। इस योजना में आपने देखा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग चार प्रकार के मार्गों की बात की गई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग। ठीक है, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमारे सामने? टैंक सिंचाई सामान्यता भारत के दक्षिण मध्य भागों में पिछले थे, इसके क्या कारण हो सकते हैं? कम गहराई पर अपर्याप्त भूजल, बिल्कुल सही बात है। चट्टानी पठार के साथ कठोर एवं उबड़ खाबड़ भू सतह, ये भी सही है। मोड़दार भू सतह के चलते जमीन पर बने बड़े बड़े गड्ढे अथवा मानव निर्मित टैंकों में वर्षा जल का संग्रहण हो जाता है, ये भी आपका सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे एक भी सही है, दो भी सही है और तीनों कथन आपके सही है। क्या है? तीनों कथन सही है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे ऑप्शन में? डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में कृषि जलवायु विदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। भारत में कृषि जलवायु विदेशों के विकास का एक मुख्य प्रमुख उद्देश्य कृषि के विकास में असमानता को कम करना है, बिल्कुल सही बात है। कृषि जलवायु विदेशों की रूपरेखा सामान्य तौर पर वाणिज्यिक उद्देश्यों पर आधारित है। कृषि जलवायु विदेशों की रूपरेखा सामान्य तौर पर वाणिज्यिक उद्देश्यों पर आधारित होती है, ये आपका गलत है। इसमें पूछा क्या है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखेंगे कि केवल एक कथन सही है। याद रखिए, आपको जिस तरह से सूटेबल लगे, जिस तरह से आपको उपयोगी लगे, आप पहले इसे भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा कथन सही है, फिर आप इन्हें पढ़ सकते हैं बाद में, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं तो उसी तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा क्यों गलत है उसके बारे में बात करूं। कृषि जलवायु क्षेत्र प्रमुख जलवायु के संबंध में एक भूमि इकाई है जो निश्चित फसलों और किस्मों के लिए उपयुक्त है। इस योजना का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना भोजन, रेशा, चारा, ईंधन की लकड़ी को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना है। कृषि जलवायुवीय स्थितियां मुख्य रूप से मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान, पानी की उपलब्धता का उल्लेख करती हैं, जो वनस्पतियों के प्रकार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, और कृषि जलवायु क्षेत्र के मुख्य लक्ष्यों की अगर हम बात करें, इसके क्या लक्ष्य हैं, तो उसमें देखेंगे आप लोग कृषि उत्पादन को अनुकूल बनाना, कृषि आय को बढ़ाना और अधिक ग्रामीण रोजगार पैदा करना, उपलब्ध सिंचाई जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना, कृषि के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, इसमें एक कथन आपका सही था, दूसरा गलत था। दूसरा कैसा था? गलत। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी बड़ा शरीर के लिए जरूरी रहता है, इसलिए टाइम टाइम पर आप लोग भी पीते रहा करिएगा। झारखंड के हजारीबाग में स्नेह गिद्ध देखा गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसका संबंध रूसी क्षेत्र से, परंतु शीत ऋतु के दौरान यह गर्म क्षेत्रों की ओर प्रवास करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। इसे IUCN की लाल सूची के अंतर्गत सुविध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये आपका बिल्कुल गलत है। सही कथन पूछ रहा है इसमें, तो आप देखेंगे कि केवल एक कथन आपका सही है। दूसरा आखिर गलत क्यों है उस पर बात करूं, तो जो स्नेह गिद्ध है इसे IUCN की लाल सूची के अंतर्गत संकट निकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है,
ना कि आपका सुभेद रूप के में, ठीक है, संकट उत्पन्न, एक तरह से निकट समय में इसका संकट इस पर छाए हुए हैं, इस तरह से बात कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांडा बॉन्ड पद समाचारों में देखा गया था कुछ समय पहले, आखिर एक है क्या? तो ये आपका चीन से प्राप्त ऋण प्राप्त करने हेतु एक बॉन्ड है। क्या है? चीन से ऋण प्राप्त करने हेतु एक बॉन्ड है आपका, पांडा बॉन्ड। चीन के पूंजी बाजारों में देखेंगे, बाजारों से जो ऋण प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान पहली बार आपका रेनमेनबी मूल वर्ग वाला एक बॉन्ड शुरू करने जा रहा है, जिसे आप लोग पांडा बॉन्ड के रूप में जानेंगे, ठीक है। और वैसे भी आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान आजकल चीन की गोद में जाकर बैठ गया है, एक तरह से इतना कर्जदार हो गया है चीन का कि उसे अब ब्याज भी चुकाना पड़ता है उसका, तो किससे कर्ज लेना पड़ता है, चीन से ही, इतनी खतरनाक तरीके से। और चीन की यही नीति भी है कि वो अपने इस तरह से फंसाता है कि उसका, कभी आप लोग देखते थे ना सेठ लोगों को कि वो किसानों को फंसाते थे, इसी तरह। क्वेश्चन हमारा अगला, आयोजित भारतीय जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होती है इसके संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। इसका 107वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ये आपका सही है बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विज्ञान कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ये आपका गलत है, सही पूछ रहा है इसमें, तो एक ऑप्शन आपका सही है। दूसरा आकर गलत क्यों है? इसके बारे में बात करूं तो 15 से 17 जनवरी 1914 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति माननीय न्यायमूर्ति सर आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन किया गया। तब से भारतीय विज्ञान कांग्रेस नियमित रूप से आयोजित की जा रही है, ठीक है। और इसके अगर इसका आयोजन 1914 में स्थापित भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत का श्रेय दो ब्रिटिश रसायनज्ञों प्रोफेसर जे एल सिमोनसन और प्रोफेसर पी एस मैक मोहन की दूरदर्शिता एवं पहल को दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में पद ARIA समाचारों में रहता है, यह संबंधित है, किससे संबंधित है? यह आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने भू आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए एक अमेरिकी कानून है। किसका? अमेरिकी कानून है। ए ऑप्शन इसमें सही है। इसे बोलते हैं आप लोग एशिया रीसोरेंस इनिशिएटिव एक्ट, ARIA के नाम से आप लोग जानते हैं। व्हाइट हाउस ने के अनुसार यह अधिनियम हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा और आर्थिक हितों और मूल्यों को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति स्थापित करेगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। मिलते हैं हम लोग 10वें टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके उससे भी अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए।